यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? गाइस, आज मैं करने वाली हूँ अपने घर का डीप क्लीनिंग। गाइस, मैंने बहुत टाइम से घर को डीप क्लीन नहीं किया था क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं डीप क्लीन भी कर लेती हूँ घर को और साथ ही साथ व्लॉग भी शूट कर लेती हूँ। तो गाइस, डीप क्लीन करने के लिए मैंने सबसे पहले बाल्टी में पानी ले लिया है जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। उसके बाद गाइस, जितने भी ये कपड़े देख रहे हैं आप, सब धुले हुए हैं, इनको मैं कहीं कॉर्नर में रख दूँगी जहाँ इन पे धूल मिट्टी ना गिर सके। गाइस, ये सारे कपड़े समेटने के हैं पर अभी मैं नहीं समेट पाऊँगी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं चेयर पर रखे, चेयर को कहीं साइड में रख देती हूँ। गाइस, जितने भी ब्लैंकेट वगैरह है सबको मैंने साइड में रख दिया है ताकि उन पे धूल मिट्टी वगैरह ना गिरे। उसके बाद गाइस, मैंने झाड़ू से पूरे घर को साफ़ किया है। साफ़ मीन्स झाड़ू मैंने पूरे घर के कोने खोपचे सब में झाड़ू मारी है। गाइस, मुझे झाड़ू से ही साफ़ करना अच्छा लगता है, जाले वगैरह निकालना झाड़ू से ही अच्छा लगता है क्योंकि झाड़ू से क्या होता है कि मिट्टी भी निकल जाती है और जाले भी निकल जाते हैं। तो घर के जितने भी कोने हैं, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे जाले बन सकते हैं, बने हुए हैं, मैंने सब को झाड़ू से क्लीन कर दिया और जो मिट्टी थी वो भी निकल गई। इसके बाद गाइस, मैं टॉवेल ले लूँगी, यानी कि मैंने पुराना टॉवेल ले लिया है, उससे उसको गीला करके जितनी भी हमारी खिड़कियाँ हैं उनको साफ़ करूँगी क्योंकि गाइस, गीले कपड़े से साफ़ करने में ही मज़ा आता है, अच्छे से मिट्टी, धूल मिट्टी निकल सकती है। सूखे कपड़े से वो बात नहीं होती जो गीले कपड़े से होती है। तो जहाँ जहाँ मैं गीला कपड़ा मार सकती हूँ वहाँ मैं गीला मारूँगी और जहाँ जहाँ मैं सूखा मार सकती हूँ वहाँ मैं सूखा मारूँगी। तो यहाँ पर मैं गीला कपड़ा मार रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मिट्टी जमी हुई है और खिड़कियों को अच्छे से गीले कपड़े से क्लीन करूँगी। उसके बाद जहाँ मुझे लगता है सूखा कपड़ा यूज़ करना चाहिए वहाँ मैं सूखा करूँगी। गाइस, घर छोटा हो या बड़ा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घर साफ़ सुथरा हो ये ज़रूरी है और काम करने में कोई शर्म नहीं है। काम करना बल्कि अच्छी बात होती है, बॉडी की एक्सरसाइज भी होती है। हम गाइस, काम करने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। मैं ये चीज़ें आजकल नहीं कर पा रही इसलिए मुझे बहुत फील होता है क्योंकि सच छोटा है अभी और वो मुझे कुछ भी ढंग से नहीं करने देता, वो रोता है मुझे देख के। वरना मेरा बस चले तो मैं हर 10-15 डेज में डीप क्लीनिंग करूँ, पर अभी मैं महीना डेढ़ महीना ऐसे करके डीप क्लीनिंग करती हूँ। गाइस, ये जो डिज़ाइन बने हैं इनमें मिट्टी जमा हो जाती है तो इनको भी मैं गीले कपड़े से साफ़ करूँगी और दीवारों पे भी मैं गीला कपड़ा ही मारूँगी। जहाँ जहाँ मेरा हाथ जाएगा मैं वहाँ पे सब जगह गीला कपड़ा मारूँगी। हाँ, पर टीवी पे मैं सूखे कपड़े से ही, टीवी को मैं सूखे कपड़े से ही साफ़ करूँगी। तो गाइस, जितनी भी जगह है वहाँ पे सब जगह मैं गीला कपड़ा मारूंगी, उसके बाद मैं सूखे कपड़े से साफ़ करूंगी। जितने भी कोने खोपचे हैं, जैसे कि अलमीरा के ऊपर की जगह है, सबको मैं साफ़ कर लूँगी। गाइस, इतनी मिट्टी थी मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, पूरा पानी गंदा हो चुका था क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया था डीप क्लीन करे हुए। और डीप क्लीन करने के बाद जो सुकून मिलता है ना, बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लगता है किसी नए घर में आ गए हैं, बहुत ही अच्छा फील होता है। तो गाइस, आप लोग भी अपने घर का डीप क्लीन ज़रूर करिए, अपने घर को अच्छे से साफ़ ज़रूर करिए, घर का कोना कोना साफ़ ज़रूर करिए, आलस मत करिएगा क्योंकि जितना घर साफ़ रहेगा उतनी ही पॉजिटिविटी रहेगी, पॉजिटिव वाइब्स रहेगी, पॉजिटिव घर का माहौल पॉजिटिव रहेगा। लक्ष्मी माता भी वहीं आती है जहाँ सफाई हो, घर का माहौल खुशहाल खुशी वाला भी वहीं होता है जहाँ सफाई हो। तो गाइस, मजबूरी एक अलग चीज़ होती है, बाकी अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ अपने घर को हमेशा जल्दी जल्दी साफ़ कीजिए। ज़्यादा वक्त या ज़्यादा, कुछ लोग ज़्यादा दिनों में करते हैं, ज़्यादा टाइम बाद करते हैं, तो ऐसे मत करिए, करते रहिए। और गाइस, यहाँ पे मैं जितने भी घर के मिरर है वो साफ़ करूँगी। अगर कपड़े से साफ़ अच्छे से नहीं होंगे तो मैं न्यूज़पेपर से साफ़ करूँगी। आप लोगों को तो पता ही होगा कि न्यूज़पेपर से मिरर बहुत अच्छे से साफ़ होता है। और गाइस, अभी मैं कर रही हूँ हमारे डोर को साफ़। गाइस,
एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि इतनी धूल मिट्टी नहीं आती पहाड़ी एरिया में, पर सामने ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है और वो इतना पास में है, पतली सी गली है हमारे घर के सामने, ज़्यादा रोड जो है, जो गली जो है वो बहुत बड़ी नहीं है, चौड़ाई में नहीं है, तो इस कारण से घर सारे पास पास है और कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो ऐसा लगता है बिल्कुल घर में ही चल रहा हो। जो भी धूल मिट्टी सीमेंट उड़ती है वहाँ पे, वो सारी की सारी घर में आती है, इस कारण से घर बहुत गंदा हो चुका है। गाइस मैं चाह रही थी कि मैं पर्दे भी वॉश करूं, पर पर्दे अभी नहीं करूंगी क्योंकि सामने काम चल रहा है और कम से कम 1 महीना और लगेगा। जैसे मैं क्लीन करूंगी, पर्दों को धोऊंगी, वैसे ही पर्दे दोबारा से गंदे हो जाएंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि मैं पर्दों को 1 महीने बाद ही धो लूँ, क्योंकि वैसे भी बहुत टाइम लग जाता है, बहुत सारे पर्दे हैं। तो गाइस अभी मैं फ़ैन को साफ़ कर रही हूँ, फ़ैन पे बहुत सारी धूल मिट्टी जमा हो चुकी थी, और जब फ़ैन पे धूल मिट्टी जमा होती है तो फ़ैन तेज़ स्पीड में भी नहीं चलता। तो गाइस आज तो मैंने सोच ही लिया था कि कुछ भी हो जाए आज तो मैं अच्छे से साफ़ करके रहूँगी पूरे घर को। तो गाइस बहुत अच्छे से साफ़ तो हो गया, लेकिन उसके बाद जो मेरी हालत हुई है मैं क्या बताऊँ, मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना, बहुत ज़्यादा थक गई थी। क्योंकि क्या होता है कि हम छोटे छोटा बच्चा अगर घर में होता है तो हम रेस्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चा बच्चा तो बच्चा ही होता है ना, वो उसको थोड़ी ना पता है कि मम्मा थकी हुई है या उसकी माँ बहुत थक चुकी है, उसको लेटना है, आराम करना है, बच्चा तो अपने हिसाब से चलेगा। तो सच तो वैसे ही बहुत कम सोता है, तो उसने तो वही चीज़ें करी जो उसको करनी थी और मैं बिल्कुल रेस्ट नहीं कर पाई, और शाम तक मेरी हालत बहुत डाउन हो गई थी। क्योंकि गाइस लग रहा आसान है पर होता नहीं है, पर ये है कि करने बैठो तो सब हो जाता है। जब मैं कर रही थी मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था, और मैंने फटाफट 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 गीले कपड़े से पूरा घर साफ़ कर दिया, मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। लेकिन उसके बाद मुझे रेस्ट बिल्कुल करने को नहीं मिला। आप अगर सफाई करते हो तो खाना पीना बना के खा के थोड़ा रेस्ट कर लो, तो इतना पता नहीं चलता, पर मुझे रेस्ट करने को नहीं मिला, इसलिए मैं बहुत शाम तक बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, थक गई थी। तो गाइस मेरी बस क्लीनिंग होने ही वाली है, सारी क्लीनिंग होने के बाद मैं बेडशीट वगैरह सारी चेंज कर दूंगी। ये देखिए मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ, उसके बाद क्या होता है कि सॉरी गाइस उसके बाद क्या होता है कि बेडशीट में से धूल मिट्टी गद्दों पे भी जाती है, तो मैं गद्दे भी अच्छे से ब्रश से क्लीन कर दूंगी। उसके बाद एकदम धुली हुई साफ़ चादर बिछा दूंगी सब बेड पे। तो गाइस क्या बताऊँ, मुझे इतना प्यारा लगता है ना साफ़ करने के बाद घर, जो मज़ा आता है, डेली उतना नहीं आता जितना इस टाइप की क्लीनिंग के बाद आता है। ये देखिए गाइस कितना प्यारा लग रहा है रूम, ऐसे ही हॉल लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो गाइस ये देखिए इसको भी मैं साफ़ कर दूंगी। गाइस मेरी सफ़ाई हो चुकी है कंप्लीट, अब डाइनिंग टेबल का कवर चेंज करना है और दीवान का, तो गाइस वो भी मैं कर दूंगी। और गाइस जितने भी गंदे कपड़े हैं वो भी मैं धुल्ले में डाल के आ जाऊंगी। ये तो मेरा हो चुका है काम कंप्लीट, अब मेरा मेन काम है जो मैं आप लोगों को बोलने वाली हूँ। गाइस अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हो तो मेरे व्लॉग्स को लाइक ज़रूर कीजिए, और हो सके तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो गाइस आज की मेरी क्लीनिंग हो चुकी है कंप्लीट, और बस गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग। आज मुझे अपने घर की सफाई दिखानी थी जो कि मैंने दिखा दी। गाइस आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अभी सफाई हो चुकी है कंप्लीट और इसके बाद बस पोछा लगना बाकी है, झाड़ू और पोछा, वो दीदी लगा देंगी। ये देखिए आ चुकी है दीदी, तो ये लगा देंगी। और गाइस आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।